यस स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग आज स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा स्क्रू गेज है। तो इस स्क्रू गेज की मदद से हम बहुत पतले वायर का डायमीटर निकाल सकते हैं। एक बहुत पतली शीट है तो उस शीट की थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब इस तरीके के काम हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है हमारा वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये अगर हम इसको हमेशा वर्नियर कैलिपर को जब हम यूज़ करते हैं तो इसको ही पकड़ के यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इसको पकड़ के अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो इसमें एरर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको पकड़ के इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्लीव, ठीक है। ये देखिए स्लीव के एंड में हमारा क्या, ये हमारी है सर्कुलर स्केल है ये हमारा। ये जो कितने पार्ट्स हैं, ये हमारा सर्कुलर स्केल जो है हमारा, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये टोटल हमारा 100 पार्ट्स में डिवाइड है। ये देखिए ये 90 के बाद ज़ीरो आ गया, तो यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट होगा फिर ये 100 तक आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है स्लीव के अंदर, ये जो हमारी नेक दिख रही है, ये हमारा है मेन स्केल, ठीक है। ये जो हमारा मेन स्केल में ये जो लाइन दिख रही है, ये ऊपर वाली ये जो लाइन दिख रही है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, यही हमारी रेफरेंस लाइन है, ठीक है। ये हमारी रेफरेंस लाइन है। फिर हम बात कर लेते हैं पिच की भी, पिच क्या होता है। तो जैसे हमारा ये देखिए, इसमें एरर जो है वो ज़ीरो एरर है, क्योंकि ये जो ज़ीरो वाला मार्क है ये हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर एरर क्या है, ज़ीरो है। अगर ये वाला ज़ीरो मार्क इसके साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, ये थोड़ा सा ऊपर होगा या थोड़ा सा नीचे होगा, तो हम कहेंगे इसमें ज़ीरो एरर है। तो हमने इसकी ज़ीरो एरर रिमूव कर दी है। इस ये जो हमारा ये पेज लगा हुआ है, इस पेज को थोड़ा सा आगे या पीछे करके हम ज़ीरो एरर को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम पिच की बात करते हैं। तो देखिए हमारा ज़ीरो है, तो इसको हम जब इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ये ऐसे पीछे जाएगा, ठीक है। और जब ये ज़ीरो फिर वहीं पे आएगा उसी लोकेशन पे, तो एक कंप्लीट रोटेशन हमारा हो जाएगा। एक कंप्लीट रोटेशन में आप देखेंगे कि ये हमारा कहाँ से कहाँ तक आया है। एक कंप्लीट रोटेशन में आपने देखा होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक ही आ पाया है, ठीक है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में ये जो हमारी स्लीव है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना पीछे जाती है वही हमारी पिच कहलाती है, ठीक है ना। एक कंप्लीट रोटेशन में ये जो हमारी स्लीव है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना पीछे जाएगी वही हमारी स्लीव कहलाएगी। तो पिच हमारी कितनी आ गई यहाँ पे, ये हमारा है एक सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो एक पार्ट हमारा हो गया 0.1 सेंटीमीटर। तो जो पिच है हमारी, ये जो हमारा स्क्रू गेज है, इसकी पिच हमारी 0.1 सेंटीमीटर है। ये अलग अलग स्केल में अलग अलग हो सकती है। तो जैसा कि हम लोग लीस्ट काउंट की बात कर रहे थे, तो हमने इसका अभी देखा है कि इसका पिच जो आया है वो कितना आया है, वो आया है 0.1 सेंटीमीटर। अब हम पिच को स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालने के लिए पिच को हम नंबर ऑफ डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका पिच हमारा आया है 0.1 सेंटीमीटर, और इसको क्योंकि इसमें सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है, तो इसको 100 से हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0.1×10^-2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा इसका लीस्ट काउंट, ठीक है। अब हम ये हो गया इसका लीस्ट काउंट। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम इसकी मदद से हम किसी भी वायर के डायमीटर को या प्लेस पेज की थिकनेस को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोग मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस चीज़ को पकड़ के ये, ठीक है, इसको हम पीछे ओपन करेंगे, इसको हम इधर से ओपन करेंगे, और इसमें जो भी हमारा वायर वगैरह जो भी कुछ यहाँ पे रखना है, जैसे वायर रखना या पेपर रखना, जो भी चीज़ रखनी है वो यहाँ पे हम इसके बीच में रख देंगे। अभी हमारे पास वायर अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ भी पतली सी चीज़ रख देते हैं इसके बीच में। ये हमने इसके बीच में ये रख दिया, ठीक है। और इसको अब हम क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे, ये हमारा ये आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब ये टाइट जितना होना था वो हो चुका है।
अब हम देखेंगे कि इसकी रीडिंग क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी मेन स्केल रीडिंग। तो आप देखेंगे मेन स्केल रीडिंग, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मेन स्केल रीडिंग जो आ रही है वो हमारा जो ये सर्कुलर स्केल जो है वो जीरो के जस्ट इधर है। इसका मतलब कि वन अभी आया नहीं है, मतलब पॉइंट वन भी नहीं आया है, ठीक है ना, पॉइंट वन भी नहीं आया। तो इसकी मेन स्केल रीडिंग जो है वो हमारी कितनी है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन स्केल रीडिंग लिख लेंगे जीरो। अब इसके बाद हम इसकी देखेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने सर्कुलर स्केल रीडिंग के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली मेन स्केल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे ये जो हमारा 59 वाला मार्क है वो कोइंसाइड कर रहा है। इससे हमारा 59 वाला मार्क हमारा कोइंसाइड कर रहा है। तो जो हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गई वो हमारी 59 हो गई। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं देखिए। तो सबसे पहले हमने लिखी मेन स्केल रीडिंग जो कि हमारी आई है ज़ीरो। फिर लिखा सर्कुलर स्केल रीडिंग जो कि आई हमारी 59। और लीस्ट काउंट हमारा कितना है, लीस्ट काउंट है हमारा 0.1 इंटू 10^-2, दैट इज इक्वल टू 0.001। ये हमारा लीस्ट काउंट आया है। अब जो हमारी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी, जो भी वैल्यू होगी इसकी, वो आएगी हमारी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। तो ये आ जाता है मेन स्केल रीडिंग हमारी ज़ीरो है, सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारी 59 है, और लीस्ट काउंट हमारा कितना है, 0.001। तो ये आ जाएगा हमारा 0.059 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हमारी रीडिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये था तरीका किसी भी स्क्रू गेज से किसी भी चीज़ की डायमीटर या थिकनेस निकालने का। अब हम थोड़ा सा इसमें इसकी एरर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम इसको बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्लोज करने पे ये जो हमारा ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो हम कहेंगे इस इंस्ट्रूमेंट में जो ज़ीरो एरर है वो कितनी है, वो नहीं है, वो ज़ीरो है। इसमें ज़ीरो एरर कितनी है, ज़ीरो है। लेकिन अगर ये ज़ीरो बेस लाइन के थोड़ा सा ऊपर हो या थोड़ा सा नीचे हो तब हम कहेंगे कि इसमें ज़ीरो एरर है। अगर ये जो हमारा सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल से ऊपर है तो हम कहेंगे कि इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और अगर ये ज़ीरो बेस लाइन से नीचे है तो हम कहेंगे इसमें निगेटिव ज़ीरो एरर है, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हमने टाइट करने के बाद यहाँ पे रुक गया, तो इसका मतलब देखो ये जो हमारी बेस लाइन है उसके साथ 20 कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी इसमें जो एरर है वो क्या है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। इसमें क्या है, ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर को हम हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, तो पॉजिटिव 20 हो जाएगा। और ज़ीरो एरर जितनी भी 20 वैल्यू आई है इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू इसकी एरर आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये ज़ीरो हमारा इसके ऊपर है, ये बेस लाइन के ऊपर है और यहाँ के ऊपर जो वैल्यू आती है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 80 आती है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें जीरो एरर कितना होगा, तो ये कितने पार्ट ऊपर है। अगर मान लीजिए यहाँ के ऊपर ये बेस लाइन आती है, ठीक है, ये हमारा जैसे इसमें इसको हम पीछे कर देंगे तो बाई चांस एरर की वजह से ये हमारा यहाँ पे आ जाता है, ये 80 यहाँ पे आ जाता है। तो इसमें कितना डिफरेंस आएगा, 20 का। तो इसमें एरर कितनी है, 20 है। लेकिन कौन सी एरर है, इसमें कौन सी एरर है, वो निगेटिव एरर कहलाएगी, वो निगेटिव एरर कहलाएगी। तो ये जो हमारी एरर आएगी 20 जो हमारे पार्ट्स आए हैं सर्कुलर स्केल के, इसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम लिखेंगे निगेटिव एरर। निगेटिव एरर को हमेशा माइनस में लिखते हैं,
ठीक है। और निगेटिव एरर को माइनस में लिखने के बाद जो भी एरर होगी, अगर पॉजिटिव एरर है तो वो भी जो फाइनल रीडिंग होगी उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो निगेटिव एरर है उसको भी फाइनल रीडिंग में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्योंकि निगेटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो निगेटिव एरर ऐड हो जाती है, और पॉजिटिव एरर को हम माइनस करने पर क्या हो जाती है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये था हमारा एरर के बारे में, ठीक है। अगर ऐसा कोई और भी क्वेश्चन आपका रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा।